एवरीवन यू ऑल वेलकम टू दिस दिस एंड इन वीडियो वी आर गोइंग टू गो थ्रू द इंडियन राइटर्स पहले भी हमने कुछ इंडियन राइटर्स के बारे में स्टडी किया है पर ये लिस्ट इतनी भी छोटी नहीं है तो उसी लिस्ट में हम आगे आज पढ़ते हैं एक नए राइटर को और जिनका नाम है तोरू दत्त जो है नाइनटीन सेंचुरी की पोएट है पोइटर्स इनका जो टाइम स्पेन है वो 1856 फिफ्टी सिक्स से एटीन है तो इनके बारे में हम देखेंगे डिटेल में इनका नाम तोरु दत्त के साथ साथ तरुलता तो, ता, दत्त भी था ठीक है इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ये एक बंगाली ट्रांसलेटर थी ठीक है एंड अ पोएट और पोएटिस फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया अपनी राइटिंग लिखी है इवन लेटर ऑन शी लर्न संस्कृत एज वेल ओके तो वाई अच्छा इंग्लिश समझ में आता है क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे फ्रेंच क्यों क्योंकि इसके पीछे स्टोरी जब वो सेवन ईयर्स की थी तो उनकी मदर उन्हें एज आई टोल्ड यू दैट शी वॉज फ्रॉम अ बंगाली फैमिली तो उनकी मदर उनको फ्रांस uh, ले जाती है और कुछ टाइम ये लोग वहाँ रहते हैं तो वहीं पे इन्होंने फ्रेंच सीख लेती है फ्रेंच लैंग्वेज सीखी थी तो ये फ्रेंच में भी लिखती है और कई फ्रेंच की राइटिंग uh, को इन्होंने ट्रांसलेट भी किया है तो बेसिकली uh, हम कह सकते हैं कि इंग्लिश फ्रेंच संस्कृत इस तरह से दो तीन लैंग्वेजेज में इन्होंने अपनी राइटिंग लिखी है और सबसे इम्पॉर्टेंट शी वॉज वन अमंग द फाउंडिंग फिगर्स ऑफ इंडो एंग्लियन लिटरेचर इंडो एंग्लियन लिटरेचर के जो फाउंडिंग फिगर्स हैं उनमें से एक त्वर को भी माना जाता है अब समझने वाला टॉपिक है कि इंडो एंग्लियन क्या होता है देखो इंडो एंग्लियन और एंग्लो इंडियन में बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है ठीक है और इसी कंफ्यूजन को आज हम क्लियर कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है तो लगता है सिमिलर है कि इंडो एंग्लियन एंग्लो इंडियन बट आपको क्लियर कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करना है तो पहली चीज जो है वो ये है कि इंडियन इंग्लिश लिटरेचर इंडिया का जो इंग्लिश लिटरेचर है वो जिसे हम इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश भी कहते हैं जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है इट इज द बॉडी ऑफ वर्क बाय राइटर्स इन इंडिया हु राइट इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड हुज नेटिव और को नेटिव लैंग्वेज कुड बी वन ऑफ द न्यूमरस लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया इंडिया के वो राइटर्स वो पोएट जो जिनकी नेटिव लैंग्वेज जिनकी मातृभाषा जिनकी मदर टंग जो है वो इंडिया की ही कोई लैंग्वेज है इट कैन बी हिंदी और जो भी ट्वेंटी टू लैंग्वेजेस है इंडिया की उनमें से कोई भी एक लैंग्वेज उनकी हो सकती है पर उनकी जो राइटिंग है उनका जो लिखने का काम है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है इसलिए हम उन्हें इंडो एंग्लियन कहते हैं इसके अलावा एंग्लो इंडियन देखते हैं एंग्लो इंडियन वो पीपल मीन्स वो राइटर्स जो कि दो डिफरेंट ग्रुप में हो सकते हैं दोनों को हम एंग्लो एंग्लो इंडियन कहेंगे पहले वो जिनकी मिक्स्ड एंसेस्ट्री हो मिक्स मिक्स्ड एंसेस्ट्री मतलब जिनके पूर्वज जो है वो मिक्सड हो यानी यदि मदर इंडियन है तो फादर ब्रिटिश और यदि फादर इंडियन है तो मदर ब्रिटिश ओके okay, तो ऐसे लोग जिनके पेरेंट्स फोर फादर्स यदि मिक्स्ड एंसेस्ट्री के हैं और वो यदि राइटिंग कर रहे हैं या फिर वो है, तो उन्हें हम एंग्लो इंडियन कहते हैं दूसरे वो लोग जो ब्रिटिश डिसेंट से हैं यानी कि उनके जो या तो वो या फिर उनके पेरेंट्स या फिर फोर फादर्स वो इंडिया में नहीं इंडिया के बाहर थे और यहाँ पर या तो इंडिया के बाहर वो पैदा हुए हो या फिर वो इंडिया के बाहर के ही हैं बट वो इंडिया में रह रहे हो तो ऐसे लोगों को हम एंग्लो इंडियन कहते हैं सो बेसिकली एंग्लो इंडियन हम कहेंगे उन लोगों को जो कि जिनके एंसेस्टर्स या तो मिक्सड है या फिर बाहर के हैं ठीक है और वो लोग यहाँ पर रहने लग गए सो आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ लेट्स गो टू दर्क तो तोरुदत के बारे में अब हम उनके वर्क के बारे में पढ़ने से पहले जैसा कि मैंने बताया कि वो फ्रांस चली गई थी एट राइटिंग स्टार्ट की तो पहला वर्क जो हम देखेंगे इनका वो था एक एक वॉल्यूम ऑफ फ्रेंच पोयम था फ्रेंच की पोएम थी जो कि जिसका नाम था अशैफ ग्ली फ्रेंच फील्ड उसे इन्होंने ट्रांसलेट किया, ओके, सो दैट्स व्हाई वी ट्रांसलेटर बंगाली ट्रांसलेटर और ये फ्रेंच पोएम को ट्रांसलेट किया अपनी सिस्टर अरुदत के साथ. ये है अरुदत, और अरुदत्त तो अरुदत जो है आ, उनकी डेथ हो गई थी व्हेन शी वाज जस्ट ट्वेंटी अरुदत की डेथ हो गई थी व्हेन शी वाज ट्वेंटी वन और इनके इनका एक ब्रदर था अबजू उनकी डेथ सिर्फ फिफ्टीन इयर्स ऑफ एज में हो गई थी और इन तीनों की डेथ एक ही वजह से हुई थी वो थी कंजम्पशन डिजीज uh, जिसको हम ट्यूबर क्लॉसिस भी कहते हैं तो उससे इन तीनों की डेथ अलग अलग टाइम पीरियड में हो गई थी सबसे पहले उनके ब्रदर की डेथ हुई फिर छोटी सिस्टर एंड देन शी हसल तो बात करें इनकी राइटिंग uh, की तो 18 इयर्स की एज में जब ये अराउंड 17 इयर्स की एज में इंडिया वापस आ गए थे ये

द लोटस लक्ष्मण आर कैसरी ट्री द ट्री ऑफ लाइफ एंड बटू तो ये पोएम जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन पोए के टाइटल्स पूछे जाते हैं कि ये पोएम किस पोएट uh, की है एंड ऑल तो इंडियन राइटर्स में आपको इनको ध्यान रखना होगा सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउटत्त सो आई होप एवरी थिंग इज क्लियर टू यू सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी ऑथर के साथ सो थैंक यू